हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 11 का इंग्लिश कोर का आंसर की। ठीक है, तो आंसर की देखने से पहले एक छोटा सा करेक्शन आया था आपके क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश कोर के। जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, ये हुआ था 2 फरवरी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके आंसर की में जो कुछ करेक्शन हुआ था, ये करेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या करेक्शन था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखिए, पेज नंबर 6 पे करेक्शन था, सेकंड लाइन पे। तो ये एक स्पेलिंग का करेक्शन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4th के 3rd पॉइंट पे करेक्शन था, और वाले पार्ट पे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 4th का ये कौन सा था, डी वाला। यहाँ पर ऑप्शन में करेक्शन था, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये आपका करेक्शन था। तो चलिए अब डायरेक्ट बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आंसर की क्लास 11th का, और आपका जो पेपर हुआ था वो हुआ था 80 मार्क्स का, बिग्स नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, हुआ होगा आपके क्लास रूम में। तो यहाँ पर साफ साफ देखिए, 2 पॉइंट लिखा हुआ है नोट में, द मार्किंग स्कीम प्रोवाइड सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स एंड नॉट द कंप्लीट आंसर। तो कुछ वैल्यू पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया है इस आंसर की में, ना कि कंप्लीट आंसर यहाँ पर दिया गया है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखिए, एनी अदर रिलेवेंट आंसर नॉट गिवन हियर इन बट गिवन बाय द कैंडिडेट विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड या फिर अवार्डेड। तो अगर आपने कुछ मिलता जुलता आंसर लिखा और वो आंसर आपका करेक्ट है, तो आपको वहाँ पर पर्टिकुलर मार्क्स दे दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन ए। देखिए सेक्शन ए आपका था रीडिंग स्किल का, और ये आपका था 26 मार्क्स का। तो देखिए फर्स्ट जो पैसेज आपसे पूछा गया होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें जो पार्ट ए है उसके आंसर को हम यहाँ पर देखते हैं। तो पार्ट ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑफ द ग्रोइंग क्रेज फॉर रिटेनिंग यूथ एंड ब्यूटी। सेकंड का है ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर, द इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया एंड एंटीसेप्टिक। एंड क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी, ही वॉज बैडली इंजर्ड इन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। और फोर्थ का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। और यहाँ पर देखिए फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अबेटमेंट। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6th का करेक्ट आंसर है, ये है प्लास्टिक सर्जन्स लर्न्ड न्यू स्किल एंड यूज्ड न्यू टेक्निक्स टू इंप्रूव द लुक ऑफ पीपल वाउंडेड ड्यूरिंग द 2 वर्ल्ड वॉर्स। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7th का आंसर क्या है, कॉस्मेटिक सर्जरी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 600 BC व्हेन अ सर्जन रिकंस्ट्रक्टेड अ नोज ऑफ पेशेंट यूजिंग अ पीस ऑफ चीक। तो अगर आपने ये आंसर लिखा है तो आपको यहाँ पर सारे एक एक नंबर मार्क्स यहाँ पर दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 8th का देख सकते हैं, ठीक है, गैस्पियर टैगलियाकोजी फर्स्ट स्टार्टेड नोज ग्राफ्टिंग विद द हेल्प ऑफ स्किन फ्लैप्स ऑफ अपर आर्म्स। ही यूज्ड सच टेक्निक मेनली टू करेक्ट द सैडल नोज डिफॉर्मिटी इन द पीपल। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बारबेरिक कॉस्ट ट्यूम ऑफ कटिंग ऑफ द नोज एंड द अपर लिप ऑफ एनिमी सोल्जर। और ये क्वेश्चन नंबर 10th यहाँ पर देखिए, ब्रॉयलिंग, इसका आंसर ये है। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट का देख सकते हैं, सेकंड पार्ट का जो एक ए क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फर्स्ट का आंसर यहाँ पे है बी, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सेकंड का है यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज ट्रू। सेकंड का ऑप्शन डी करेक्ट है, फ्लड एंड ड्रॉट्स। एंड फोर्थ का यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, दैट इज क्लाइमेट चेंज, इट्स कॉज वाइड स्प्रेड अपहेवल एंड नीड अटेंशन। फिफ्थ यहाँ पर देखिए, फिफ्थ में आपको आंसर लिखना, तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं क्या है लिखा हुआ है, साइक्लोन्स आर मोर कॉमन इन सेंट्रल पैसिफिक एंड नॉर्थ अटलांटिक एंड लेस सो इन बे ऑफ बंगाल वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक एंड सदर्न इंडियन ओशन। और क्वेश्चन नंबर 6th यहाँ पर देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का, तो ये हीट वेव डेट प्रीवियसली हैड 1 in 10 चांसेस ऑफ अकरिंग इज नाउ नियरली 3 times as likely and peaking। तो ये सारा आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वार्मर एयर होल्ड्स मोर मॉइस्चर सो स्ट्रॉम क्लाउड्स आर हैवियर बिफोर दे इवेंचुअली ब्रेक। और क्वेश्चन नंबर 8 अपहेवल यहाँ पर दिया हुआ है अगेन। अब ये देखिए, ये नोट मेकिंग था, नोट मेकिंग में आपका टाइटल था वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन रिजर्व्स इन राजस्थान। तो यहाँ पर आपको कोई सा भी टॉपिक पे लिखना था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, नंबरिंग और इंडेंटेशन के लिए आपको एक नंबर है,
और फिर एनी सुटेबल टाइटल के लिए आपको एक नंबर है, और नोट्स और कंटेंट के लिए एक थ्री, और ग्लॉसरी के एक एक नंबर है, और नोट्स और कंटेंट के लिए आपको यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ से ओवरऑल आपको 5 मार्क्स यहाँ कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए, लियोपोल्ड रिवर रिजर्व इन जयपुर, तो उसके अंदर ये सब पॉइंट दिया गया, इंडिया फर्स्ट सिटी टू गेट टू लियोपोल्ड रिजर्व, ठीक है, जालाना लियोपोल्ड रिवर एंड न्यूली एडेड आमागढ़ लियोपोल्ड रिजर्व, ठीक है। और सेकंड में देखिए आमागढ़ लियोपोल्ड रिजर्व के बारे में ये कह दिया, लोकेटेड इन इन द अरावली स्प्रेड अक्रॉस अ टोटल 1542 हेक्टेयर, होम ऑफ 15 लियोपोल्ड और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर फॉर अदर एनिमल लाइक हाइनास एंड जैकल एक्सेट्रा। प्रोजेक्ट लियोपोर्ड के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, इनिशिएटिव स्टार्टेड इन राजस्थान इन 2017, एम टू कंजर्व बिग कैट पॉपुलेशन इन द स्टेट, रिजल्टेड इन इंक्रीज इन लियोपोर्ड पॉपुलेशन इन झालाना लियोपोर्ड रिवर रिजर्व। और फिर ये लियोपोर्ड सफारीज के बारे में यहाँ पर दिया गया, आजमगढ़ रिजर्व में कंडक्टेड इन टू शिफ्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग में। फिर ये देखिए लिमिटेड नंबर ऑफ सफारी व्हीकल अलाउड इन साइड रिजर्व। और यहाँ पर फोर्थ का थर्ड पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, मेजर टेकन टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग एंड डिस्टर्बेंस टू द वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर देखिए ताल छप्पर सेंचुरी के बारे में ये लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट एंड अदर पॉपुलर वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन राजस्थान। तो यहाँ पर रणथंभौर के बारे में दिया है, सरीक्षा टाइगर रिजर्व के बारे में दिया है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यहाँ पर लिखा है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जामवर रामगढ़ सेंचुरी के बारे में यहाँ पर दिया है। की एवरीवेशन देखिए यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया है, पॉपुलेशन का POPLN यूज़ किया सेंचुरी के लिए, SANCTA यूज़ किया रिजर्व के लिए, RESV यूज़ किया और लेपर्ड के लिए लियो यूज़ किया है। और ये बी में देखिए ये समरी आपको लिखना था, तो यहाँ पर समरी के लिए कुछ यहाँ पर लाइन्स लिखा है, ये देखिए द समरी शुड इंक्लूड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द नोट्स, और साथ ही साथ कंटेंट के लिए आपको दो नंबर और एक्सप्रेशन के लिए आपको एक नंबर यहाँ पर मिलेगा। सेक्शन बी देखिए आपका ग्रामर एंड राइटिंग स्किल था, ये था आपका 23 मार्क्स का। तो इसका आंसर देख लेते हैं, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, तो उसके आंसर यहाँ पर आपको देने थे, केवल 4 क्वेश्चन रन करना था। तो यहाँ पर फर्स्ट का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, हैज बिकम, बी देखिए एडवेंट, सी का देखिए हैज लेड, डी का देखिए ऑफ फेट और ई का हैंड्स ऑन। तो ये अगर आपने आंसर दिया तो ये सारे आपके करेक्ट हैं, और आपको यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना था। सेकंड का यहाँ पर देख सकते हैं, ए का क्या होगा, शी डिडेंट थिंक अबाउट डेट, बी का देखिए माई सिस्टर रिक्वेस्टेड टू मी वेट देयर टिल शी रिटर्न, और सी का देखिए द मैटर हैज बिन लुक्ड इनटू बाय हर। अगर आपने कुछ इस तरीके का आंसर लिखा है तो आपको यहाँ पर करेक्टली 1-1 मार्क अवार्ड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर बनाना था जो कि क्लासिफाइड हो, तो उसका फॉर्मेट आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है, द फॉर्मेट शुड इंक्लूड, फॉर्मेट में आपका बॉक्स होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, एक्सप्रेशन के लिए 1 नंबर और फॉर्मेट के लिए 1 नंबर था, ठीक है। वैल्यू पॉइंट्स में आप कुछ कुछ ये देख सकते हैं, हेडिंग में देखिए एकोमोडेशन वांटेड और यहाँ पर कुछ रिलेवेंट पॉइंट दिए गए हैं उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का, अगर आपने कुछ वहाँ पर मेंशन किया है तो आपको कंटेंट के लिए नंबर मिलेगा यहाँ पे। या फिर और वाले का फॉर्मेट, और वाले में अगर आपको कुछ ऑप्शन दिया तो फॉर्मेट के लिए अगेन यहाँ पर 1 नंबर है, फॉर्मेट में देखिए बॉक्स हेडिंग कॉन्टैक्ट डिटेल है और फिर कंटेंट के लिए 1 नंबर और फिर एक्सप्रेशन के लिए 1 नंबर और है। और ये देखिए हेडिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिचुएशन वैकेंट और उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रिगार्डिंग दिए, तो ये आप कुछ यहाँ से पॉइंट कंसिडर कर सकते थे, रिक्वायर्ड सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइन एंड फॉर रिनोवेटिंग इंटीरियर ऑफ कैफे एट कैनॉट प्लेस इन न्यू दिल्ली, इस तरीके का आपका ये बनने का था। तो यहाँ पर कुछ देखिए और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिए हैं, और साथ ही साथ ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना अनिवार्य था। सेकंड था आपका पोस्टर मेकिंग, पोस्टर में देखिए आपको फॉर्मेट के लिए 1 नंबर, कंटेंट के लिए 1 नंबर और एक्सप्रेशन के लिए 1 नंबर। तो फॉर्मेट में क्या क्या होना चाहिए, बॉक्स आपका होना चाहिए था, हेडिंग और डिटेल ऑफ इशूइंग अथॉरिटी होना चाहिए था। तो ये देखिए वैल्यू पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए, इन वैल्यू पॉइंट्स को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, रिलेवेंट स्लोगन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रेस्क्यू ऑफ एक्वाटिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज और सजेस्टेड स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन लाइक रिड्यूसिंग साउंड पॉपुलेशन मिनिमाइजिंग ऑपरेशन ऑफ स्टीमर्स मैकेनाइज्ड बोट डिस्करेजिंग फिशिंग टू अवॉइड एक्वाटिक स्पीसीज गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशरमैन्स नेट रिड्यूसिंग मैकेनाइज्ड माइनिंग ऑफ सैंड फ्रॉम रिवर्स एक्सेट्रा इलस्ट्रेशन और इशूइंग अथॉरिटी का डिटेल्स आपको यहाँ पर देना था और भी कुछ उससे जुड़ मिलता जुलता डिटेल आप यहाँ पर दे सकते थे। या फिर और वाले क्वेश्चन में भी सेम
फॉर्मेट के लिए एक नंबर, कंटेंट और एक्सप्रेशन के लिए एक एक नंबर। फॉर्मेट में देखिए आपका बॉक्स हेडिंग या फिर इशुइंग अथॉरिटी का नाम होना चाहिए, ये तीन डिटेल्स आपके होने चाहिए थे, और कुछ वैल्यू पॉइंट्स में आप इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते थे। ये पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर तो नहीं दिया हुआ है क्योंकि बहुत तरीके से इसका आंसर लिखा जा सकता है, इसलिए आपके टीचर्स इसको चेक करेंगे और जो भी उन्हें सही लगता होगा उस हिसाब से वो आपको नंबर देंगे। फिर ये देखिए थर्ड जो था वो आपका स्पीच था, स्पीच में आपका फॉर्मेट के लिए एक नंबर है, कंटेंट के लिए दो नंबर है और एक्सप्रेशन के लिए दो नंबर है। तो फॉर्मेट में क्या क्या होना चाहिए, सल्यूटेशन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन टू ऑफ सेल्फ एंड टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट में आपके क्या क्या देखिए, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड स्पेलिंग, कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडिया एंड स्टाइल। तो ये वैल्यू पॉइंट यहाँ पर दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज में कोई भी तीन वैल्यू पॉइंट को आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते थे, या फिर ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर जो दिए हैं इन्हें आप यूज कर सकते थे आप अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में। तो ये देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, और इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ लिखा है तो आपके लिए वो बेहतर है, ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना बनी हुई है अगर आपने यहाँ से कुछ वैल्यू पॉइंट्स के बारे में कुछ लिखा है तो, ऐसे रिलेटेड कुछ। देखिए फोर्थ वाला पार्ट था आपका डिबेट, डिबेट अगेन आपका पांच नंबर का था। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट के लिए एक नंबर है, कंटेंट के लिए दो नंबर और एक्सप्रेशन के लिए दो नंबर। फॉर्मेट में आपका सल्यूटेशन आ जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिकेशन वेदर इन फेवर और अगेंस्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ एंड टॉपिक, ये चीज आपका फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर सेकंड जो है वो आपका कंटेंट के लिए दो नंबर है और एक्सप्रेशन के लिए दो नंबर है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ देखा जाएगा, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी देखा जाएगा, अप्रोप्रिएट वर्ड स्पेलिंग देखा जाएगा, और कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पॉइंट फॉर के लिए और अगेंस्ट में देखिए तीन तीन चार वैल्यू पॉइंट दिए गए हैं आपको, कुछ यानी थ्री लिखने थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नो गैजेट्स ये फॉर में दिया हुआ है, ऑनलाइन विजुअल्स एंड क्लासेस, ऑडियो वीडियो क्लिप्स, वाइड एंड हॉरिजन ऑफ लर्निंग टीचिंग अपडेटेड एज ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है, एक्सेस टू ऐप, ऑनलाइन वर्कशीट। तो ये सारे पॉइंट्स आपके फॉर्म में दिए गए हैं, और अगेंस्ट में देखिए कर्टेन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव इंस्टिंक्ट ऑफ लर्नर, ठीक है, हैम्पर द एबिलिटी टू पिक्चराइज, कैलकुलेट इन माइंड, ये सारे चीज़ दिए गए हैं, राइजिंग केसेस ऑफ फिजिकल मेंटल हेल्थ इशू। तो इन सब पॉइंट्स का आप अगेंस्ट में यूज़ कर सकते थे, या फिर अदर में जो भी टॉपिक दिया होगा उसके लिए भी सेम, यहाँ पर फॉर्मेट में आपके लिए एक नंबर, कंटेंट और एक्सप्रेशन के लिए एक नंबर है, तो और उसके लिए जो रिलेवेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं फॉर और अगेंस्ट में वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते थे, ठीक है, कोई भी तीन आपको लिखना था यहाँ पर। तो ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर वैल्यू एडेड पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए वीडियो पॉज करके, और इसी के बेसिस पर अगर आपने आंसर दिया है तो आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट होगा। अगेंस्ट में भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सेक्शन सी देखिए आपका लिटरेचर का था, और लिटरेचर आपका था 31 मार्क्स का। तो यहाँ पर पहला जो था, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए कुछ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था आपके लिटरेचर से निकाल के, फिर उसका जो करेक्ट आंसर है वो देख सकते हैं। फर्स्ट का क्या है, पोएट्स मदर एंड हर टू कजन्स बेटी एंड डॉली। सेकेंड का देखिए क्या होगा, सिग्निफाइज अनचेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर कॉन्ट्रास्ट टू पैसेज ऑफ टाइम टाइम चेंजिंग सर्कमस्टांसेस इन मैन लाइफ, या फिर कोई अदर रिलेवेंट पॉइंट, या फिर ये देख सकते हैं थर्ड का क्या होगा, डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर डी है, बी और सी दोनों करेक्ट होगा यहाँ पे। या फिर इसी के और में जो क्वेश्चन दिया है वो आप देख सकते थे, फर्स्ट का ट्री या फिर बर्ड होगा, सेकेंड का आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, स्ट्रिप्स ऑन बार ऑन द फेस फ्रॉम द शेडो, ब्रांचेस आर इट्स आइडेंटिटी और आइडेंटिफाइंग मार्क। या फिर ऑप्शन ये थर्ड में देखिए सी करेक्ट ऑप्शन है, इट इज मेटाफर। सेकंड का आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड में फर्स्ट का है बी, स्मॉल पॉसिबिलिटी, फिर सेकंड में, फिर ए करेक्ट ऑप्शन है सेकंड का, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर थर्ड का सी वाला करेक्ट है यहाँ पर, अ नीडल इन हेस्टैक। या फिर और में देख सकते हैं, और में फर्स्ट का देखिए क्या करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है सी, डेट इज मेटाफर। फिर सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और थर्ड यहाँ पर देखिए डी करेक्ट ऑप्शन है, डॉवेल। थर्ड में देखिए फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी दिया है, मिस्टर डॉर्लिंग सेटर्स। सेकंड का यहाँ पर अगेन डी दिया है, फियर ऑफ क्रश ऑफ मेमोरीज फॉर अ लॉन्ग
लॉस्ट कनेक्शन, थर्ड का यहाँ पर देखिए सी दिया है पर्सोनिफिकेशन, और फोर्थ का देखिए बी दिया है कन्फ्रंट, या फिर उसके और वाले का आंसर अगर किसी ने और वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो और वाले में देखिए फर्स्ट का यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, आरम क्लम्सी हॉर्स राइड, या फिर ए फिलोजोइक नेचर, या थर्ड का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज ही वॉन्टेड मोरार टू रिटर्न द हॉर्स आफ्टर ही लर्न टू राइड, और फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पर देखिए काफी क्वेश्चंस को आंसर करना था 40 से 50 शब्दों में, तो यहाँ पर ये देखिए आंसर दिया हुआ है, और साथ ही साथ कंटेंट के लिए 2 नंबर है और एक्सप्रेशन के लिए 1 नंबर है, तो ओवरऑल ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन बैठ रहा था, तो एक आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिए, अगर आपने कुछ इससे रिलेटेड कुछ आंसर लिखा है इससे मिलते जुलते तो आपको डेफिनेटली नंबर मिलेगा यहाँ पे, या फिर और वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए ये कुछ इस तरीके का है। बी में देखिए, बी में भी देखिए कंटेंट के लिए 2 नंबर है और एक्सप्रेशन के लिए आपका 1 नंबर यहाँ पर अलॉट किया गया है, तो ये आंसर पढ़ लीजिए। आंसर को तो मैं पढ़ के नहीं सुनाने वाला वरना वीडियो काफी लंबा होता चला जाएगा, वीडियो पॉज करके आप इस बार सारे पैराग्राफ के जो भी आंसर यहाँ पर दिए गए हैं आप उसे एक बार जरूर पढ़ लें, और इससे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें, वहाँ पर ये सभी आपके सैंपल पेपर आंसर्स की उस टेलीग्राम ग्रुप में या फिर चैनल में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। और ये अगेन ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अगेन आपको 40 से 50 शब्दों में आंसर करना था, तो यहाँ पर भी कंटेंट के लिए 2 नंबर है और एक्सप्रेशन के लिए 1 नंबर है, तो ये आंसर आप यहाँ से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर ये फाइनली जो 6-6 नंबर का आपको क्वेश्चन था इसे आपको 120 से लेके 150 वर्ड के बीच में लिखना था, तो यहाँ पर देखिए कंटेंट के लिए 3 नंबर है और एक्सप्रेशन के लिए 3 नंबर है, यहाँ पे ये देखिए इसे पॉइंट पॉइंट में लिखा गया है, यहाँ पर पूरा पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लीजिए इसे, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने आंसर किस तरीके का किया और आपको कितने मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं। और वाले में भी देखिए बी का यहाँ पर सारा आंसर ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आपका ये 6 मार्क्स का था, और यहाँ पर भी देखिए 120 से लेके 150 शब्दों में आपको आंसर करना था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर किस प्रकार से किया गया है, कंटेंट के लिए 3 नंबर है और एक्सप्रेशन के लिए 3 नंबर है, यहाँ पे ये देख सकते हैं सारा आंसर आपके सामने है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके जरूर आप इस आंसर को पढ़ लीजिए एक बार। और ये था आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का ये आंसर की, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम में उसके आंसर की के साथ, तो आज के वीडियो पे इतना ही, धन्यवाद।